खरगोन में आज केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि अध्यादेशों और प्रदेश सरकार द्वारा मंडी मॉडल एक्ट लागू करने के विरोध में राष्ट्रीय किसान महासंघ की अनुवाई में सैकड़ों किसान सड़कों पर उतर गए। इस दौरान किसानों ने रैली निकालकर कलेक्टोरेट पहुंचे। किसानों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिले में खराब हुई कपास, सोयाबीन, मक्का और मिर्च की फसलें का सर्वे कराकर तत्काल मुआवजा देने की और कमलनाथ सरकार के किसानों कर्जा माफ के निर्णय के तहत किसानों का कर्जा माफ करने की भी किसानों ने मांग की। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। पहुंचे हैं खरगोन में, किस तरीके की डिमांड है इसको लेकर आपको यहां पहुंचना पड़ रहा है? सबसे पहले तो हमारी केंद्र सरकार ने जो कृषि विरोधी 3 अध्यादेश जारी किए हैं, एक तो उसके विरोध में, एक मंडी मॉडल एक्ट के विरोध में, और हमारे किसानों की मांग है कि सोयाबीन की फसल खराब हो गई है पूरी, सोयाबीन, मक्का, कपास, गेहूं, ये अपने कपास और सोयाबीन इतने ज़्यादा खराब हो गए, पीला मोजक हो गया, लेकिन अभी तक शासन द्वारा कोई भी सर्वे के लिए कहा नहीं गया है। और हमारी मुख्य मांग ये है कि जो 2 लाख रुपए तक का कर्ज है जो कमलनाथ सरकार ने बजट में पास किया, उसके बाद हमारी मांग है कि राज्य की शिवराज जी की सरकार जो है वो 2 लाख तक का कर्ज माफ़ करे। 25% राशि कमलनाथ जी सरकार दे गए थे, वो 75% राशि जो 2019 की बाकी है वो भी हमारे शिवराज जी की सरकार दे, और 2020 का भी सर्वे कराकर जल्द ही किसानों को राशि दे, किसानों को फसल का भाव अच्छा मिले। मक्का 1850 रुपये समर्थन मूल्य है तो सरकार खरीदने की गारंटी ले, 5800 रुपये कपास है तो सरकार उसको खरीदने की गारंटी ले, क्योंकि कपास किसान का 15-20 रुपये बिक रहा है मार्केट में, मक्का 700-800 रुपये बिक रही है, 1800-2000 रुपये सोयाबीन बिक रही है। तो इन मांगों को लेकर हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कक्का जी के निवेदन पर हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और इन सब मांगों को हम पूरी करवाने के लिए आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन। पूरे जिले भर के बड़ी संख्या में किसान पहुँचे थे, क्या उग्र आंदोलन की चेतावनी है क्या? नहीं, ये उग्र आंदोलन की चेतावनी हमारी नहीं है, हम तो किसान भोले भाले हैं, लेकिन प्रशासन कहीं कहीं, हम कोरोना काल में 10-20-25 लोग आके जब भी हमने ज्ञापन दिया, प्रशासन ने अभी तक हमारे ज्ञापन पर ध्यान ही नहीं दिया है, इसलिए यह हमारा उग्र आंदोलन नहीं है। हम तो हजारों की संख्या में आ रहे थे, लेकिन कहीं कहीं प्रशासन द्वारा हमें जगह जगह रोक दिया गया। इतना प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने बहुत हमारे लोगों को परेशान किया। मंडलेश्वर घाट पर इनको गंदा पानी पिलाया गया, आपने उस वीडियो में देखा होगा, लेकिन फिर भी हम प्रशासन का विरोध नहीं कर रहे, हम हमारी मांगे मनवा रहे हैं। अगर हर व्यक्ति को अपनी मांग का अधिकार है, किसान अन्नदाता है, इस देश के 135 करोड़ जनता का पेट भरने वाला अगर किसान परेशान रहेगा तो ये देश कैसे चलेगा? अगर किसान परेशान है, इस चीज़ को शिवराज मामा समझ जाए, अगले चुनाव को समझ जाए, पूरा खरगोन, बड़वानी, निमाड़ साफ कर दिया है। हम किसी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है, हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है। अगर किसान के साथ अगर शिवराज की सरकार है तो हम किसान उनको धन्यवाद देंगे, हमारी मांगों को वो पूरी तरह से पूर्ण करे, हमारा कर्जा भी माफ करे और हमें जल्द ही मुआवजा दिलवाए। मेरा नाम है धीरज मिश्रा, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।